दोस्तों रामायण के उत्तरकांड में एक कथा का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि एक दिन एक कुत्ता राजद्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। लेकिन कुत्ता बार बार क्यों भौंक रहा था, कारण जानने के लिए उसे दरबार में पेश किया गया। तब कुत्ता बोला, हे प्रभु श्री राम, आपके राज में स्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक रहता है। कल उसने अकारण मुझ पर प्रहार कर मेरे मस्तक को फाड़ दिया था। कुत्ते की बात सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। तब भिक्षुक बोले, महाराज कल मैं भूखा था और मैं द्वार द्वार घूम रहा था, तभी यह कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ और भूखा होने के कारण मुझे क्रोध आ गया, तो मैंने इस कुत्ते को डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। अब श्री राम बोले, इसे क्या दंड दिया जाए। कुत्ता बोला, इसे कालंजर मटका मठाधीश बना दें तो यह दंड इसके लिए उचित होगा। तब प्रभु श्री राम बोले, यह तो इसके लिए उपार होगा, दंड नहीं। कुत्ता पुनः बोला, रघुनंदन पिछले जन्म में मैं कालंजर मटका एक मठाधीश था और सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। यह तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत तो मुझसे भी बुरा होगा। तो बोलिए जय श्री राम।